मजा आया, बहुत मजा आई। मैं आपके पास ही तो खड़ी हूँ, फिर आप इतना जोर जोर से क्यों बोल रही हैं? क्या मैं जोर से बोल रही हूँ? अच्छा, और जोर से बोलूंगी, सबके कान के बल दिखाऊंगी, और जोर से बोलूंगी। सही, मुझे ना आज बहुत मजा आया। तूने क्या गेम खेला? ताई, मैंने कोई गेम नहीं खेला, मैंने तो सच बोला, और हमेशा सच बोलना चाहिए ना। चलिए, अब मुझे बहुत देरी हो रही है, मुझे कॉलेज जाना है। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू पहले मुझे खाना खिला, उसके बाद मुझे दवाई भी खानी है, उसके बाद जाना कॉलेज, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो फिर आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं खाना लेके आती हूँ, ठीक है? ताई, सही, एक मैं और मेरा पति कैसे दिख रहे हैं? बहुत प्यारे। ये रहा आपका खाना। चलिए बताइए, आपकी दवाई कहाँ है? वहाँ। देवी बेटा, चलो खाने का टाइम हो गया। ओह सही, कॉलेज ही जाना है, यहाँ बैठी हो, क्या करी हो? हरी? बस खाना। मैं खिलाती हूँ ना खाना। ये वही दवाई है जिसे खाकर आपको नींद आती है? दिखाइए। अरे नहीं, पहले तो मुझे खाना खिला, उसके बाद। अरे खाना मैं खिलाऊंगी ना। नहीं ना, सही खाना खिलाएगी ना। ताई प्लीज दिखाइए ना, पहले खाना प्लीज ना। एक निवाला खिला दे। ये एक निवाला सही का। चलिए अब दिखाइए प्लीज, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। थैंक यू ताई। आई, अब बैठिए ना, आइए खिलाइए ना। देवी खाना खाएगी। इस दवाई के बारे में किससे पूछूं? किससे पूछूं? और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई डाउट हो, बेझिझक आके मुझसे पूछना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डॉक्टर पुलकित जी से पूछती हूँ। हाँ ये लीजिए ताई। अगर मेरा डॉक्टर पति होता ना, तो मैं कब की ठीक हो गई होती। वो मुझे कभी ये गंदी दवाई देता ही नहीं, वो तो मुझे अच्छी दवाई देता, जिससे मुझे कभी नींद ही नहीं आती। ताई आप चिंता मत करिए, आपकी सही है ना, सब ठीक हो जाएगा। सही है तो सही है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, बाय। हाँ लिया, बाय बाय सही। भाभी बहुत चल रहा है क्या? अरे नहीं नहीं करिश्मा, वो तो एक्टिंग कर रही है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी कितना बेवकूफ सा सवाल प्रश्न क्वेश्चन कर रही है ना तू। पत्र लिखा, मैं ये क्रीम तुम्हें लगा देती हूँ, जलन थोड़ी कम हो जाएगी। पत्रलेखा को क्रीम मैं लगाऊंगी। वहीनी देख, काकू आप पत्रलेखा भाभी को क्रीम लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा सकती? आखिर पत्रलेखा मेरी सबसे प्यारी बहू जो है।
वैसे इतना ही दर्द सही भाभी को भी हुआ होगा ना? नहीं, वो मेरा मतलब है, सही भाभी ने तो उस दिन इतने सारे मसाले पीसे थे ना, इसीलिए। बड़ी मामी, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं आज अपने हिस्से का काम पूरा नहीं कर पाई और मुझे सारे मसाले पीसने थे और मैंने सिर्फ लाल मिर्ची पीसी। किस मिट्टी की बनी हो तुम पत्रलेखा? तुम्हारे हाथों का इतना बुरा हाल है और फिर भी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र है। देखा सुनाली, ये होती है शहानुकुली मराठा खानदान की लड़कियां। अगदी बरोबर है वहीनी, हमारे पत्रलेखा जैसी समझदार, बुद्धिमान, अकलमंद बहू हर एक के नसीब में कहां। काकू, मैंने तो बहुत कोशिश की थी सही भाभी को रोकने की, और मैंने तो बोला भी था कि पत्रलेखा भाभी से मसाले नहीं पिसवाएं, लेकिन सही भाभी तो सही भाभी, अरे वो तो आपकी भी नहीं सुनती, वो मेरी क्या सुनेगी। चुप कर। अगर तुझे इतनी परवाह थी तो जब पत्रलेखा के हाथ जल रहे थे तब तूने क्यों नहीं पिसे मसाले? तब तो अजंता की मूरत बनकर खड़े खड़े तमाशा देख रही थी ना। और जब सई ने उषा से कहा मसाले पीसने के लिए, तब तो तू भी तो उसे बोल सकती थी। इस घर में गलती किसी की भी हो, डांट हमेशा मुझे ही सुननी पड़ती है। ए, गप्पा बस, मेरे सामने सही बनने की कोशिश मत कर। पत्र लिखा, किस्मत की हवा, देर सवेर ही सही लेकिन रुख जरूर बदल देती है। जिस दिन सही की किस्मत की हवा उल्टी दिशा में बहना शुरू होगी, उस दिन उसकी सारी अकड़, सारा घमंड उड़ा के ले जाएगी। आज वो हमें काम सिखा रही है ना, लेकिन देखना जिस दिन वो फंसेगी, उस दिन वो किसी पर भी धौंस नहीं जमा पाएगी। फिर हम उस जंगली बिल्ली को नीचा दिखाएंगे। वैसे तो मैं कभी महंगे सस्ते की परवाह नहीं करती, लेकिन आज कहती हूं सई को हमसे टक्कर बहुत महंगी पड़ेगी। डॉक्टर देशपांडे। क्या बात है, तुम पहले आराम से सांस ले लो। टेक अ डीप ब्रेथ। अब बताओ क्या बात है। मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। अरे तो भागते भागते क्यों पूछ रही थी? I'm joking. वो पूछो। मुझे ना एक्चुअली आपसे एक मेडिसिन। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और उसके बाद मेरे बैक टू बैक क्लासेस हैं और मुझे लगी है जोरों की भूख। चलो ना कैंटीन जाके कुछ खाते खाते बात करते हैं। चलो। एक शर्त पर, आपको मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। कम पता है सर, पहले मैंने सोचा था कि मैं भी कैंटीन में खा लूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने इतना सारा बनाया है और इतनी मेहनत से बनाया है तो थोड़ा अपने लिए भी पैक कर लेती हूँ। अच्छा किया। वैसे खाने की खुशबू बहुत बढ़िया है। बस बस बस, भाई वाह, फिर से कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन सच में बहुत अच्छा बनाया तुमने, घर की याद आ गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम सुबह सुबह कॉलेज आती हो, उससे पहले इतना खाना बनाती हो, तो
तुम यहीं कहीं आसपास रहती हो क्या? नहीं, सुंदरनगर। क्या हुआ सर? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कुछ साल पहले मैं भी सुंदरनगर में ही रहता था। अच्छा, फिर अब वहाँ से मूव क्यों हो गए? वो तुम कुछ पूछ रही थी ना मुझसे। ओ हाँ, दवाई के बारे में पूछना चाह रही थी। ये दवाई तो उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें कोई गहरा सदमा लगा हो और वो सदमे से बाहर ना निकले हो। हमारे मेडिकल लैंग्वेज में से PTSD कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एग्जैक्टली। इसमें पेशेंट अगर हाइपर हो जाए या एग्रेसिव हो जाए तो ये दवाई देने से वो थोड़ा शांत हो जाता है। वैसे काफी स्ट्रांग है ये मेडिसिन, अगर इसे लगातार लिया जाए तो साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो एक्चुअली सर, मेरी फैमिली में कोई है जो ये दवाई ले रहा है। कौन है वो और क्या सदमा लगा है उसे? वो एक्चुअली मेरे घर पे ना मेरी जो है फ्रेशर्स के नाम, अगर है आप में हुनर तो फिर किस बात का डर, आइए और सबको अपना टैलेंट दिखाइए, क्योंकि फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम की एंट्री ओपन हो चुकी है। मिस हो या मिस्टर, आज ही कीजिए खुद को रजिस्टर। व्हाट नॉनसेंस, हम लोग कॉलेज पढ़ाई करने आते हैं या ये सब फालतू की चीजें? What nonsense? हम कॉलेज पढ़ाई करने आते हैं या कोई फालतू की चीजें करने? ऐसा है मिसेस सई, इट्स नॉट योर फॉल्ट एक्चुअली, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां ना अक्सर ऐसी आंटियों जैसी बातें करती रहती हैं। और वैसे भी इसका डियर हबी इसे घर पे पढ़ने कहाँ देता होगा, इसलिए तो कॉलेज में आकर दिन भर पढ़ाई करती रहती है। एक्सक्यूज मी, ऐसा है कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और आइंदा से मेरी पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट मत कीजिएगा वरना। सही सही। रिलैक्स, सिट डाउन स्टूडेंट्स प्लीज। देखो सही, पढ़ाई बहुत जरूरी है लेकिन ये जो कॉलेज की एक्टिविटीज होती है ना ये भी जरूरी है। देखो आई थिंक कि तुम्हें इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सच में यू विल एंजॉय इट। बेबी, या तो तुम कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो या जल्दी से इस नाम के एक्टर से काम के एक्टर बन के दिखाओ, लाइफ में कुछ तो करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ करिश्मा, लेकिन मैं कोई ऐसा जॉब ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरा जॉब भी रहे और साथ में मैं एक्टिंग भी कर सकूं। लेकिन तुम मेरे जॉब को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? तो और क्या करूं, थक गई हूं रोज रोज सबके ताने सबके डांट पटकर सुन सुन के। जस्ट बिकॉज तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत नहीं करता, मुझसे भी सब बदतमीजी से बात करते हैं। रिश्मा तुम अब पत्रलेखा भाभी वो तो ठहरी इस घर की सबसे लाडली बहू, उन्हें तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, और वो सही भाभी वो तो लड़ झगड़ कर निकल जाती है, इसलिए उन्हें तो किसी को कुछ सुनाने का मौका ही नहीं मिलता। ले देकर मैं ही रह जाती हूँ, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर का सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, और उसके बाद भी काकू को सुनाने का दिल करता है वो मुझे ही सुनाती। करिश्मा ये क्या किया, करिश्मा वो क्या किया, करिश्मा ये क्यों किया, करिश्मा वो क्यों किया, करिश्मा करिश्मा करिश्मा, ऐसा लगता है जैसे मेरे नाम का गाना बज रहा है। गाना बज रहा है? हाँ मैंने भी वही कहा। अरे नहीं सच में गाना बज रहा है, सुनो। इतनी रात को इतनी तेज गाना कौन बजा रहा है? अरे क्या तमाशा है ये, गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? काकू ये आवाज तो सही महीने के कमरे से आ रही है।
लगता है दिन भर की थकान के बाद इस वक्त इतनी रात को सही भाभी एंटरटेनमेंट के मूड में। अरे हो, वो सब ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट का भी तो कोई टाइम समय वक्त होता है। दिन भर क्या कम शोर मचाती है, तो रात को इतने शोर से गाने बजा रही है। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था ना वहीनी कि हम सब लोग सो रहे होंगे। पता नहीं सही को क्या मजा आता है सबको परेशान करने में, इतनी रात में भी सबकी नींद खराब कर रही है। जिसे शोर करने की आदत पड़ गई हो उसे चैन शांति कहां से रास आएगी। कितनी बरोबर बोल रहा तू वहीनी, दिन भर हमें तंग करके इसको चैन नहीं मिला ना, इसलिए रात को गाने बजाकर और परेशान कर रही है। गाना सुनना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम कम करके भी तो सुन सकती है ना। वही तो आई, इतनी तेज वॉल्यूम करके इस वक्त सबको परेशान क्यों कर रही है वो। हाँ? बड़ी मामी मैं अभी सही से बोलकर आती हूँ, थोड़ी वॉल्यूम कम कर ले। तुमने पत्र लिखा, मैं जाऊंगी, मैं सिखाऊंगी उसे इस घर में रहने का तरीका और तमीज किसे कहते हैं। विराट, हाँ लेकिन वो फाइल मेरे टेबल पर पहुंच जानी चाहिए सुबह तक। जयन जी काकू। विराट, आज सुबह तेरी बीवी को बुखार था ना, तो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए क्या किसी डॉक्टर ने बुलाया उसे कि रात को इतनी ऊंची आवाज में गाने चलाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।